22 जनवरी 2024 का दिन इतिहास में दर्ज हो गया जब अयोध्या में जन्मस्थान पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। नरसेवा नारायण सेवा के संस्थापक और हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री एवं प्रभारी विमल द्विवेदी की अगुवाई में बड़े हनुमान जी के मंदिर में भव्य आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख तौर पर बड़े हनुमान जी के मंदिर में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम लाइव प्रसारण विशाल स्क्रीन लगाकर भक्तों की सुगमता के लिए किया गया था। साथ ही भक्तों के लिए भोजन प्रसाद का भी प्रबंध किया गया। आपको बता दें, शाम को महाआरती बनारस से पधारे गंगा आरती के आचार्य द्वारा की गई। विभिन्न झांकियों में आमजन को दिन भर सम्मोहित किया। श्री राम के आगमन का हम सबको सैकड़ों वर्षों से इंतजार था और वो 500 वर्षों का इंतजार आज खत्म हो चुका है और प्रभु राम का अयोध्या में आगमन हो चुका है और जिस तरह से पूरी अयोध्या नगरी देखने की अयोध्या सजी हुई है उस तरह से हम सब राम भक्तों के द्वारा यहाँ मंदिर संस्था के द्वारा सबके द्वारा प्रयास किया गया है कि अयोध्या जैसा माहौल गाँव में नहीं हो, पूरा देश राम में है। बच्चा बच्चा जन जन में उत्साह है और हम सब उत्साहित है। प्रभु राम आ रहे हैं, इसके लिए मैं मेरे पास शब्द नहीं है क्योंकि हम सब भावुक है। वो क्षण जो हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, सुना क्षण अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है। सनातन हिंदुओं से बात मैं अपील करना चाहता हूँ, समस्त हिंदुओं से, कि इस दिन पुनः 22 जनवरी को प्रत्येक वर्ष की पुनः दिवाली मनानी जानी चाहिए। वहीं 21,000 दीपकों से शाम मंदिर में दीपोत्सव मनाया गया। बच्चों द्वारा निर्मित रंगोली विशेष आकर्षण का केंद्र रही। साथ ही पुष्पों से बना राम आगमन पथ से श्री राम का आगमन हुआ और प्रभु श्री राम के रूप में कलाकार सिंहासन पर आरूढ़ हुए। इसके साथ ही विशेष अतिथि के तौर पर SDM सदर मजिस्ट्रेट उन्नाव सदर विधायक पंकज गुप्ता सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। साथ ही नगर के हजारों राम भक्तों का जमावड़ा लगातार बना रहा। अनिता द्विवेदी, दीपा त्रिपाठी, हिंदू जागरण मंच जिला संयोजक अजय त्रिवेदी, विकास सिंह के साथ ही कई लोग भी मौजूद रहे।